ओके, लेट अस टेक हाउ टू सॉल्व फोर पॉइंट रेडिक्स टू एफएफटी एल्गोरिथम। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं फोर पॉइंट रेडिक्स टू एफएफटी एल्गोरिथम। तो दोस्तों, ये फोर पॉइंट रेडिक्स टू एफएफटी एल्गोरिथम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार दोबारा बताना चाहता हूं कि ये जो मैं आपको अभी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे वीडियो में, तो इसमें जो मैं बार बार डीएफटी का इस्तेमाल करूँगा ना, एक्चुअली में जो एफएफटी होता है ना हमारे पास, एफएफटी बेसिकली में हमारे पास एक एल्गोरिथम होता है जो डीएफटी की कैलकुलेशन को क्या करता है, काफ़ी कम टाइम में कर देता है। तो इसलिए आप कन्फ्यूज मत होइएगा अगर मैं बार बार डीएफटी यूज़ करूँ। बेसिकली में यहाँ पे सब कैलकुलेशन डीएफटी के थ्रू ही होती हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे फोर पॉइंट गिवन, जैसे मान लीजिए एक्स ऑफ एन, ये हमें यहाँ पे गिवन है, दिस इज वन टू थ्री एंड फोर। तो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे फोर हमारे पास होगी। तो आपको मैंने जब एफएफटी एल्गोरिथम में पढ़ाया था सिग्नल लेंथ, तो सिग्नल लेंथ फोर फॉर्मूला हमारे पास क्या था, कैपिटल एन हमारे पास कितना था, टू की पावर एम हमारे पास था, और एम हमारे पास क्या होता है, स्टेजेस होती हैं। तो यहाँ पे जो एम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, स्टेजेस को, या फिर किसको बोल दो, लेवल्स को। तो कैपिटल एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है बोलो, फोर है। तो ये आपके पास कितना गया, टू की पावर टू। इसका मतलब ये है कि हम जब इसको सॉल्व करेंगे बटरफ्लाई मेथड से, तो वहां पे हमें कितनी स्टेजेस की जरूरत पड़ने वाली है, वहां पे हमें दो स्टेजेस की जरूरत पड़ने वाली है। अब ये जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लिखी है, इस सीक्वेंस को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस। ये आपके पास है एक्स नॉट, फिर आपके पास क्या है, एक्स वन है, फिर आपके पास क्या है, एक्स टू है, फिर आपके पास क्या है, एक्स थ्री आपके पास है, ठीक है। और इस फोर पॉइंट की जो चार पॉइंट हमारे पास है, यहाँ पे मैं एरो भी लगा देता हूँ, तो हमारे पास जो चार पॉइंट डीएफटी होगी कैपिटल एक्स ऑफ के, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, पहला पॉइंट होगा कैपिटल एक्स नॉट, फिर कैपिटल एक्स वन, फिर कैपिटल एक्स टू, फिर हमारे पास कितना होगा, कैपिटल एक्स थ्री हमारे पास होगा, ठीक है। तो फोर पॉइंट की हमारे पास क्या आती है, फोर पॉइंट डीएफटी हमारे पास आती है। अब अगर आप इसको कन्वेंशन मेथड से सोल्व करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हमें लग जाता है अगर हम इसको कन्वेंशन मेथड से करते हैं। लेकिन अगर हम इसको बटरफ्लाई मेथड से करें तो उस केस में हमारा जो रिजल्ट आएगा वो काफ़ी जल्दी आता है। तो देखो, हम काफ़ी कम टाइम में इसको कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिखेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स में हम लिखेंगे यहाँ पे टू पॉइंट डी एफ टी जो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगी, दो इनपुट हमारे पास होंगी, उसके बाद हम एक और बॉक्स लेंगे यहाँ पे, सो दिस इज ऑल्सो ऑफ टू पॉइंट डी एफ टी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होंगी, दो इनपुट हमारे पास होंगी। अब इन दोनों की हमारे पास जो टोटल आउटपुट होगी, वन टू थ्री फोर, तो हम क्या करेंगे, इस आउटपुट को हम अप्लाई कर देंगे किसमें, फोर पॉइंट डी एफ टी में। तो हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर देते हैं, दिस इज फोर पॉइंट डी एफ टी, फाइन। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे, अब हमें यहाँ पे चार पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, पहला पॉइंट कैपिटल एक्स जीरो, दूसरा पॉइंट होगा हमारे पास कैपिटल एक्स वन, तीसरा पॉइंट हमारे पास होगा कैपिटल एक्स टू, और लास्ट पॉइंट जो होगा हमारे पास वो हमारे पास क्या होगा, कैपिटल एक्स ऑफ थ्री हमारे पास होगा। अब देखो, ये तो आपको पता चल गया कि हमारे पास जो स्टेजेस हैं वो हमारे पास कितनी, दो स्टेजेस हैं। तो ये हमारे पास पहली स्टेज होगी, ये हमारे पास क्या होगी, सेकंड स्टेज हमारे पास होगी। अब ये जो बटरफ्लाई मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। तो वो रूल हमारे पास क्या है, सबसे पहला रूल तो दोस्तों ये है कि आपके पास जो भी आउटपुट आपके पास आएगी ना, आपको उसके सिक्वेंस चेंज नहीं करनी है। तो ये हमारे पास क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी, तो आउटपुट विल रिमेन ऑफ सेम ऑर्डर। तो पहला जो पॉइंट है, आउटपुट विल रिमेन्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो हमारे पास जो भी हमारे पास आउटपुट है, तो आपको पता ही है कि अगर हमारे पास चार पॉइंट हमारे पास है, तो उनकी जो हमारे पास आउटपुट होगी वो हमारे पास क्या आएगी, कैपिटल एक्स जीरो, कैपिटल एक्स वन, कैपिटल एक्स टू, कैपिटल एक्स थ्री। तो इनका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है, इनपुट सीक्वेंस मस्ट बी ऑफ बिट रिवर्सल, मस्ट बी ऑफ बिट रिवर्सल। तो कहने का मतलब ये कि हम यहाँ पे जो इनपुट सीक्वेंस अप्लाई करेंगे ना, उसका बिट रिवर्सल होना चाहिए। देखो, वैसे अगर रूल के, वैसे अगर जनरल फॉर्म में देखा जाए, तो जनरल फॉर्म में क्या होता है, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एक्स जीरो, यहाँ पे अप्लाई करेंगे एक्स वन, यहाँ पे अप्लाई करेंगे एक्स टू, यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे एक्स थ्री। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर बटरफ्लाई मेथड आप यूज कर रहे हैं और फोर पॉइंट का, तो हम क्या करेंगे, हम बिट को रिवर्स कर देंगे। क्या करेंगे, बिट को रिवर्स कर देंगे। कैसे, देखो आपको पता है जीरो को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं इसको दो बिट में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो आप जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं जीरो जीरो, वन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
जीरो वन के साथ, टू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वन जीरो के साथ, थ्री को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप वन वन के साथ, क्योंकि आपको पता है ये टू की पावर जीरो इस तरह से होता है ना, ये आपके पास क्या होगा टू की पावर जीरो, ये टू की पावर वन, इस फॉर्म पे होता है, फिर आपके पास क्या आएगा टू की पावर टू एंड सो ऑन। अच्छा अब इनका बिट रिवर्सल कर दो, क्या करेंगे बिट रिवर्सल, तो देखिए मैं इनका बिट रिवर्सल कर देता हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं बिट रिवर्सल करूँ तो जीरो जीरो का क्या रहेगा सेम रहेगा जीरो जीरो, ठीक है, उसके बाद जीरो वन का क्या बन जाएगा वन जीरो, वन जीरो का क्या बनेगा जीरो वन, वन वन का क्या रहेगा सेम हमारे पास रहेगा। तो मैंने क्या किया मैंने यहाँ पे बिट का रिवर्सल ले लिया। अब उसके बाद देखो बिट रिवर्सल लेने के बाद जीरो जीरो तो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है जीरो को, वन जीरो किसको रिप्रेजेंट करेगा टू को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा वन को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा ये थ्री को रिप्रेजेंट करेगा। अब मुझे बताओ जीरो को मैं क्या लिखूंगा, जीरो वाली हमारी जो सीक्वेंस है वो तो एक्स ऑफ जीरो है ना, और ये जो टू वाली हमारे पास है, जो टू वाली हमारे पास है तो टू वाली हमारे पास कौन सी है, तो ये जो सीक्वेंस हमारे पास है ये सीक्वेंस हमारे पास कौन सी है एक्स ऑफ टू होगी, और ये सीक्वेंस हमारे पास कौन सी है एक्स ऑफ वन होगी, और ये सीक्वेंस हमारे पास कौन सी है एक्स ऑफ थ्री हमारे पास होगी। तो बिट रिवर्सल लेने के बाद ये एक्स जीरो ये एक्स टू ये एक्स वन ये हमारे पास क्या बन गया एक्स थ्री हमारे पास बन गया। अब इसी को हम क्या करेंगे इसी को हम यहाँ पे इनपुट पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट आएगा हमारे पास वो आएगा हमारे पास एक्स जीरो, इसके बाद अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा हमारे पास एक्स टू, इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आएगा एक्स वन, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा एक्स थ्री हमारे पास आएगा। तो आई थिंक दोस्तों ये दो पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास ये जो आउटपुट में जो भी रिजल्ट आ रहा है ना डीएफटी जो हमारे पास है ये सेम ऑर्डर क्यों नीचे जो आउटपुट है, और इनपुट का बिट रिवर्सल लेके आपको अप्लाई करना है, क्या करना है बिट रिवर्सल लेके अप्लाई करना है। तो ये तो मैंने आपको बताया किसमें फोर पॉइंट में, अगर मान लो मैं एट पॉइंट की बात करूँ तो आपको पता है एट पॉइंट में क्या होता है एट इज इक्वल टू में टू की पावर थ्री होता है ना, तो उसको आप कैसे तीन बिट से रिप्रेजेंट करोगे। तो अगर मैं यहाँ पे एट पॉइंट का एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो आप सभी को पता है वन टू फोर, तो जीरो को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे जीरो को आप रिप्रेजेंट करोगे जीरो 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 के साथ, वन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे जीरो जीरो वन, टू को कैसे रिप्रेजेंट करोगे जीरो वन जीरो, थ्री को कैसे रिप्रेजेंट करोगे जीरो वन वन, फोर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे वन जीरो जीरो, फाइव को कैसे रिप्रेजेंट करोगे वन जीरो वन, सिक्स को और सेवन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे सेवन को आप रिप्रेजेंट करोगे वन 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 के साथ, ठीक है। अब इसमें अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे बिट रिवर्सल अप्लाई करता हूँ, क्या अप्लाई करता हूँ बिट रिवर्सल, तो देखिए इन सब की जो बिट रिवर्सल हमारे पास होगी वो हमारे पास क्या होगी, इसका तो सेम रहेगा जीरो जीरो जीरो, ठीक है, इसका क्या बन जाएगा आपके पास वन जीरो जीरो, इसका क्या बनेगा जीरो वन जीरो, इसका क्या बनेगा हमारे पास वन वन जीरो, ये हमारे पास क्या रहेगा जीरो जीरो वन, ये हमारे पास क्या रहेगा वन जीरो वन, ये हमारे पास जीरो वन वन, और ये हमारे पास क्या रहेगा वन वन वन। तो आप मुझे बताओ जीरो 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 ये आपके पास क्या रहेगा एक्स जीरो, वन टू फोर ये आपके पास क्या बन गया बोलो एक्स ऑफ फोर बन गया, अच्छा उसके बाद ये आपके पास क्या बन गया बोलो ये आपके पास एक्स ऑफ टू, ये आपके पास क्या है बोलो एक्स ऑफ सिक्स है, ये आपके पास क्या है एक्स ऑफ वन है, ये सिक्स है ये एक्स ऑफ वन है, और ये आपके पास क्या है एक्स ऑफ फाइव, ये आपके पास क्या है बोलो एक्स ऑफ थ्री आपके पास है, और ये आपके पास क्या है एक्स ऑफ सेवन आपके पास है। तो इसके बाद एक बार फोर पॉइंट का ये कंप्लीट हो जाएगा ना, जब मैं आपको एट पॉइंट का कराऊंगा तो उसमें भी क्या रहेगा हमारे पास जो इनपुट में सीक्वेंस होंगे ना वो इस ऑर्डर में होंगी एक्स जीरो एक्स फोर एक्स टू एक्स सिक्स एक्स वन एक्स फाइव एक्स थ्री एक्स सेवन, इस ऑर्डर में हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। ओके अब हम बात करते हैं बटरफ्लाई इंप्लीमेंटेशन के बारे में। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हम बटरफ्लाई को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, तो आपको हमने कुछ इस तरह से डायग्राम बना के दिखाया था ना, ये आपके पास यहाँ पे इधर क्रॉस आपके पास था, ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमारे पास सर्किट था। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या था ए था, यहाँ पे आपके पास क्या था बी था, और ये डब्ल्यू, और यहाँ पे ये टी आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ था, है ना। और आपको हमने बताया था कि अब हमारे पास जो आउटपुट हमें मिल रही थी वो हमें क्या मिल रही थी, यहाँ पे इस स्टेज में आपको क्या मिल रहा था, आपको यहाँ पे मिल रहा था ए प्लस में बी दिस इज डब्ल्यू, ये आपके पास टी ऊपर, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा था ए माइनस बी दिस इज डब्ल्यू, ये आपके पास टी मिल रहा था। तो ये जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया ना ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, व्हाट इज दिस, दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, किसके लिए फोर पॉइंट के लिए एट पॉइंट के लिए एंड सो ऑन। तो जब मैं इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करूंगा तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। तो अब जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने के बाद हमारे पास अब जो चेंज हमारे पास आएगा ना वो चेंज हमारे पास क्या होगा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है।
अब बाकी सब चीज़ें हमारे पास सेम रहेंगी जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की थे ना, जैसे हमारे पास ये क्या था, ए था, और ये हमारे पास क्या था, बी था। लेकिन अब ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ना, इसको मैं चेंज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप है ना एक बात का ध्यान रखना, जब कभी भी क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है किसका, डी आई टी का, तो डी आई टी में ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपके पास रहता है ना, ये हमेशा बॉटम में होगा। कहाँ पे होगा, बॉटम में। दो चीज़ें होती है ना, एक आपके पास टॉप होता है, एक आपके पास बॉटम होता है। तो डी आई टी में ये कहाँ पे होता है, डी आई टी में बॉटम में होता है, यहाँ पे ध्यान रखना। अब ये जो फैक्टर होगा ना, ये जो फैक्टर हमारे पास होगा, ये होगा हमारे पास डब्ल्यू, दिस इज 2 की पावर i, और ये हमारे पास k हमारे पास रहेगा। तो देखो प्रीवियस में जब मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन बताई थी किसकी, बटरफ्लाई की, तो उस समय पे हमारे पास ये आता है। लेकिन अब जब मैं प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ, तो उस समय पे मैं क्या लिख रहा हूँ, डब्ल्यू, ये 2 की पावर i है, और ये हमारे पास क्या किया है। अब यहाँ पे जो i हमारे पास है, i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, i यहाँ पे बेसिकली में रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स लेवल को जो है, ठीक है, इंडेक्स को लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे i की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट लेवल को। किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट लेवल को। तो मुझे बताओ जब हम कैलकुलेशन सोल्व करेंगे और पहले लेवल की हम बात करेंगे, तो i की वैल्यू को 1 पुट करो, तो ये आपके पास क्या, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप इसको रिप्रेजेंट करोगे ये w, ये आपके पास 2, और ये आपके पास k, क्योंकि 2 की पावर 1 आपके पास क्या होता है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे i की वैल्यू को 2 पुट कर दूँ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा सेकेंड लेवल। क्या बन जाएगा, सेकेंड लेवल। तो मुझे बताओ सेकेंड लेवल के लिए मैं क्या करूँगा, i की वैल्यू को 2 पुट करूँगा, तो बताओ 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 4 होता है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे w, 4 यहाँ नीचे, और ये आपके पास k आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे i की वैल्यू को क्या पुट करता हूँ, 3 पुट करता हूँ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास थर्ड लेवल बन जाएगा। तो बताओ थर्ड लेवल में i की वैल्यू 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, w, ये आपके पास 8, और ये k। तो एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बताई ना, इसमें i की वैल्यू 0 नहीं होगी, i की जो मिनिमम वैल्यू होती है ना, क्योंकि i तो स्टेज है, और पहली तो स्टेज होगी, 0 तो कोई स्टेज होती नहीं है। तो पहली स्टेज से आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो i की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन होगी। अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे w 2 k आ गया, अब k की वैल्यू आपके पास कहाँ स्टार्ट होती है, 0 से, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से जब आप पहले लेवल की बात करेंगे ना, बटरफ्लाई में पहले लेवल की बात करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा, दूसरे लेवल में आपको ये मिलेगा, तीसरे लेवल में आपको ये मिलेगा। अच्छा, मैं इसमें ना प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही आसान नजर आएंगी जो है। ओके, इसके बाद हम प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट करते हैं। हमें एक सीक्वेंस गिवन है, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू में 1, 2, 1, 0, और इस सिग्नल की हमें 4 पॉइंट DFT गिवन है, 4 - 2J 0 और J2। अगर हम इस क्वेश्चन को कन्वेंशनल मेथड से करते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन अब मैं इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके बताता हूँ विद द हेल्प ऑफ ए रेडिक्स 2 DIT FFT एल्गोरिथम। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, ये मैंने आपको डायग्राम जो बटरफ्लाई है ये मैंने आपको समझाया था इस तरह से, तो इसी को अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आपके पास स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, पहले मैंने कैपिटल ए और कैपिटल बी लिए थे, अब इसको स्मॉल में हम कंसिडर कर लेते हैं, इट डजंट मैटर। तो यहाँ पे आपके पास कितना था, ये था आपके पास डब्ल्यू, दिस इज 2 इसकी पावर i, और ये आपके पास क्या था, k था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये इस तरह से क्रॉस था, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आपके पास क्या होता है, समर आपके पास होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, a प्लस में b, ठीक है, दिस इज a प्लस b, w 2 की पावर i, और ये आपके पास k, दिस इज a माइनस b, w 2 की पावर i, और ये आपके पास क्या रहेगा, k आपके पास रहेगा। तो इसी को अब हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे किसके लिए, 4 पॉइंट DFT के लिए। तो आप इसको ना बिल्कुल ध्यान से बनाना जो है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चार लाइन इस तरह से खींच रहा हूँ जो है, ठीक है। तो ये अपने पास पहली लाइन होगी, उसके बाद ये हमारे पास दूसरी लाइन होगी जो है, ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास थर्ड लाइन होगी, और उसके बाद ये हमारे पास फोर्थ लाइन होगी, ठीक है। तो आप जब कॉपी में नोट करो ना, तो पहले ना आप मतलब इन सब लाइंस को ना यहाँ पे बना लेना जो है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे चार लाइन आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, विल डिवाइड दिस इनटू टू पार्ट जो है। अब इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास स्टेज वन है, और ये हमारे पास क्या है, स्टेज टू है। तो आपको मैंने बताया ना सीक्वेंस को लिखते कैसे हैं, तो ये आपके पास क्या है, एक्स नॉट है, एक्स वन है, एक्स टू, एक्स थ्री है, तो इनको इस तरह से लिखा जाता है। तो ये यहाँ पे आपके पास क्या होता है, ये एक्स नॉट होता है, ये आपके पास एक्स वन होता है, फिर यहाँ पे क्या आता है, एक्स टू, फिर यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, एक्स थ्री आपके पास आएगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर, अब हमारे पास ये जो नंबर्स हैं, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपके पास वन है, उसके बाद आपके पास क्या है, टू है, फिर आपके पास क्या है, फिर आपके पास 1, 2, 1, 0, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लेंगे। तो यहाँ पे बॉटम में मैंने आपको बताया था ना, तो यहाँ पे बॉटम में आपके पास आएगा,
और इसके लिए यहाँ पे ये बॉटम में ये यहाँ पे मैंने बना दिए जो है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब ध्यान से देखना, पहली स्टेज के लिए हम क्या करते हैं, पहली स्टेज के लिए हम आई की वैल्यू को 1 लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये 2 रहेगा, इसका मतलब ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास हो गया W2, ये आपके पास कितना हो गया W2, क्योंकि आई की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, 1 बता दी पहली स्टेज के लिए। अब यहाँ पे जो K की वैल्यू है ना, अब ये K की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, ये इस ट्यूटल फैक्टर में आ रही है। अब देखो, अब K की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, इसके लिए हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ यूनिक ट्यूटल फैक्टर इन ए स्टेज इज इक्वल टू 2 की पावर i-1। अब जो यहाँ पे ट्यूटल फैक्टर की यूनिकनेस होगी ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी, 2 की पावर i-1। और आई आपको पता है, आई आपने क्या लिया, यहाँ पे 1 लिया है। तो मुझे बताओ, जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो 2 की पावर 1-1 आपके पास कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो 2 की पावर 0 आपके पास क्या होता है, 1। तो यूनिकनेस मतलब 1, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि K की वैल्यू स्टार्ट तो होगी 0 से, तो वो दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि 1 वैल्यू आ गई ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ये भी आपके पास क्या रहेगा, 0, और ये भी आपके पास क्या रहेगा, 0 आपके पास रहेगा। ठीक है, अब पहली स्टेज को मैं कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे क्रॉस लगा देंगे जो है। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरह से क्रॉस लगा दिए, और यहाँ पे हमने इस तरह से ये क्रॉस लगा दिए जो है। और आपको पता है, ये तो आपके पास क्या होता है, समर होता है, ये भी समर है आपके पास, ये भी समर है, ये भी समर, ये भी समर है। अब इस स्टेज को हम सोल्व करेंगे इसकी हेल्प से, इस स्टेज को हम सोल्व करेंगे इसकी हेल्प से। तो आइए सबसे पहले काम करते हैं, इनको हम सोल्व कर देते हैं। तो आप मुझे बताओ, अच्छा उससे पहले काम और करते हैं ना, उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ अब उसके बाद देखो, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, W20 की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, तो उस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, फिर इसकी हेल्प से हम क्या कर लेंगे, सोल्व करेंगे। अब देखो, सेकंड पार्ट में जब हम आएंगे ना, तो सेकंड पार्ट में हम बटरफ्लाई कैसे बनाते हैं, सेकंड पार्ट में देखो, ध्यान से देखना, इसको लेंगे और इसको लेंगे, तो बटरफ्लाई जो बनेगा ना वो ऐसे बनेगा, इसका इसके साथ बनेगा, और इसका जो बनेगा वो इसके साथ बनेगा जो है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है बटरफ्लाई का ध्यान रखना है। तो दोबारा देखिए, इसको मैंने बनाया इसके साथ, इसको मैंने बनाया इसके साथ, फिर देखो उसके बाद इसको हम बनाएंगे इसके साथ ज्वाइन करेंगे, और इसको हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। तो अब मुझे बताओ, जब अब यहाँ पे जो ट्विडल जो मल्टीप्लीकेशन वैक्टर आएगा ना, वो यहाँ पे आएगा ना, ये आपके पास क्रॉस है, तो ये यहाँ पे आपके पास आ गया जो है, बॉटम में बनता है ना, बॉटम में, तो बॉटम में मैंने आपको बताया था, तो यहाँ बना देते हैं, और फिर इसके लिए ये क्रॉस बन रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे ये बॉटम है, तो यहाँ पे हम बना देते हैं, तो यहाँ पे हमने ये क्रॉस बना दिया जो है। ठीक है, और ये आपको पता है, ये सब समर है आपके पास जो है, ये भी समर आपके पास है, ये भी समर आपके पास है, ये भी समर है, और ये भी आपके पास क्या है, समर आपके पास है। अब सेकंड स्टेज में हम एंटर कर चुके हैं, तो सेकंड स्टेज में मैंने आपको बताया था आई की वैल्यू को हम क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं। तो अगर मैं आई की वैल्यू को यहाँ पे 2 पुट करूँ, तो आपको पता है 2 की पावर 2 आपके पास क्या होता है, 4। इसका मतलब ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास हो गया W4, ये आपके पास कितना हो गया W4। अच्छा, अब जो यूनिकनेस है, K की वैल्यू तो आपको पता है, ये हम क्या पुट करेंगे, K की वैल्यू 0 स्टार्ट होती है। अब यूनिकनेस के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, आई की वैल्यू, अब जो ट्यूडल फैक्टर की यूनिकनेस है वो ये बताएगा, द नंबर ऑफ यूनिक ट्यूडल फैक्टर इन स्टेजेस इज इक्वल टू 2 की पावर i-1। तो आई की वैल्यू हमने क्या पुट किया है, 2 पुट किया है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ, तो 2-1 आपके पास कितना होगा, 1, तो 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। इसका मतलब अब आपके पास जो यूनिकनेस होगी वो 2 अलग अलग होंगे, जैसे पिछली बार 1 आया था ना, तो मैंने दोनों को सेम से रिप्रेजेंट किया था, अब यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास 0 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 1। तो पिछली बार 1 था यूनिक, मतलब दोनों सेम, इस बार क्या है, 2 आपके पास है, तो ये 0 हो गया, ये आपके पास 1 होगा, एंड सोन। फिर मैं आपको 8 पॉइंट में भी आपको बताऊंगा मैं जो है। इतना बनाने के बाद अब उसके बाद देखो ध्यान से, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, अब ये हमारा बन तो चुका है, अब देखो ध्यान से, अब इसको सोल्व करते हैं W2 की पावर 0 को। तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारे पास जो ट्विडल फैक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, जो हमारे पास W होता है, W इक्वल होता है एक्सपोनेंशियल माइनस J2π के। अगर आप इसको K से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर लिखा जाएगा, अगर आप इसको N से डिवाइड करोगे तो ये कहाँ लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं K की वैल्यू को 0 पुट कर दूँ, ठीक है, N की वैल्यू कुछ भी हो, 2 हो, 4 हो, तो WN, अगर मैं K की वैल्यू को 0 पुट कर दूँ, तो आपको पता है E की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ W20 इज इक्वल टू में W40, इन सब की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई है, 1। तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 1 पुट कर देता हूँ, और इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, 1 पुट कर देता हूँ। आई होप किसी को कोई यहाँ पे डाउट नहीं होगा। उसके बाद देखो,
अब अपने को W40 इसकी वैल्यू भी तो बना है, W40 इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी है, बना है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं W41 की। तो मुझे बताओ अगर मैं K की वैल्यू को 1 पुट करूं और N की वैल्यू को 4, मतलब W ये अपने पास यहां पे ये 4 है और ये अपने पास 1 है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, e की पावर माइनस जे 2 पाई डिवाइड बाय में कैपिटल N की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये हमारे पास कितना आ गया e की पावर माइनस जे पाई बाय 2। आपको पता है एक्सपोनेंशियल माइनस जे थीटा, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, कोस थीटा माइनस में जे साइन थीटा। तो आपको पता है कोस 90 आपके पास क्या होता है 0 और साइन 90 आपके पास क्या होता है 1, तो ये किसके बराबर आ गया, माइनस जे के बराबर आ गया, ठीक है। तो डब्ल्यू फोर ये जो 1 आपके पास है इसको मैं किससे रिप्लेस करूंगा, इसको मैं रिप्लेस करूंगा माइनस जे के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो वैल्यूज है ये हमारे पास क्या हो गया, फिक्स हो गया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब ध्यान से देखते रहना, पहले वाले में 1 और 1 है, तो मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू को 1 लूँ और बी की वैल्यू को 1 लूँ और इसकी वैल्यू अपने पास क्या है 1 है, तो ए प्लस बी मतलब 1 प्लस 1 कितना होता है 2 आपके पास होता है और 1 माइनस 1 आपके पास कितना आएगा 0। तो पहले स्टेज में हमारा जो आंसर आ रहा है यानी कि यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे क्या रहा है 0 हमारे पास आ रहा है, तो ये 2 आपके पास यहाँ पे आ गया डायरेक्टली और ये 0 आपके पास यहाँ पे आ गया जो है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब उसके बाद देखो, अब इसको सोल्व कर लेते हैं 2 को और 0 को। तो अगले स्टेज में आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास 2 है और यहाँ पे आपके पास क्या है 0 है, तो बताओ इसकी वैल्यू तो अपने पास 1 ही है, तो बताओ 2 प्लस 0 कितना होता है 2 और 2 माइनस में 0 वो भी आपके पास क्या होता है 2 आपके पास होता है, तो 2 प्लस 0 2, 2 माइनस 0 इज 2, इसका मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है वो आपके पास कितना है 2 है और यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट है वो भी आपके पास क्या है 2 आपके पास आ रहा है, ठीक है 2 और 2। तो यहाँ पे अपने पास क्या हुआ, यहाँ पे अपने पास पहली स्टेज खत्म होगी। अब दूसरी स्टेज के में एंटर करते हैं। अब दूसरी स्टेज में जब एंटर करोगे ना तो ध्यान से देखना, ये 2 आपके पास डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 डायरेक्टली यहाँ पे आएगा, ये 2 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे कितना आएगा 2 और ये 2 इस माइनस जे से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ पे इस समर पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 2 जे, कितनी आएगी माइनस 2 जे। अब दूसरी स्टेज सोल्व करते हैं, तो दूसरी स्टेज जब सोल्व करेंगे ना, इसको और इसको पिक करेंगे, इसको इसको, तो 2 यहाँ पे है और इसके बाद 2 यहाँ पे है, 2 और 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 और 2 आपके पास आ रहे हैं, 2 और 2 आपके पास हैं और इसकी वैल्यू तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी ऐड ही करना है। तो आप मुझे बताओ जब आप यहाँ पे ऐड करोगे तो आपके पास कितना होगा, 2 प्लस में 2, 2 प्लस में 2 कितना हो गया 4, सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 0 आपके पास आएगा। तो ये जो पॉइंट आपके पास, ये पॉइंट आपके पास कितना आ गया 4 और ये पॉइंट आपके पास कितना आ गया 0 आपके पास आ गया। अब उसके बाद देखो इसको और इसको मैंने ले लिया, अब लेते हैं 0 को और माइनस 2 जे को। अब अगला जो पॉइंट है वो आपके पास है 0 और फिर है माइनस 2 जे, तो 0 माइनस में 2 जे आपके पास, ये आपके पास कितना आ गया माइनस 2 जे और 0 माइनस में माइनस 2 जे ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा प्लस 2 जे, तो अगला पॉइंट भी हमारे पास आ गया। तो इनको लिख देते हैं, ये पॉइंट हमारे पास कितना है माइनस 2 जे, दिस इज माइनस 2 जे और ये जो पॉइंट हमारे पास है, ये पॉइंट हमारे पास कितना है प्लस 2 जे हमारे पास है, तो यही तो आंसर है। पहला जो पॉइंट है आपके पास ये कितना है, ये आपके पास 4 है, ठीक है, ये पॉइंट आपके पास कितना है 4 आपके पास है, उसके बाद ये आपके पास कितना है माइनस 2 जे है, फिर आपके पास कितना है 0 और फिर आपके पास कितना आ रहा है प्लस 2 जे हमारे पास आ रहा है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि बस आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते चले जाओ और ये बहुत ही आसानी के साथ क्या हो जाएगा सोल्व हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इसी तरह से आप एन नंबर ऑफ क्वेश्चन, आपको 4 पॉइंट गिवन हो यहाँ पे अप्लाई करो, बारी बारी से इनको सोल्व करो, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा।